Cheyenne Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success for any query regarding ssp and afsp please join our telegram channel ssp success whose link is given in the description box and for more updates regarding ssp and afsp do subscribe our youtube channel ssp success so today we are going to cover an important lecture topic which was asked in you know recent ssps conducted at various places that was on bribe so it would be important for your ssp and afsp point of view so let's get started with our topic see why it is in news basically देखो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 को release किया गया था by transparency international के द्वारा ओवरऑल अगर कहें जो cpi है दैट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स वो ये शो करता है कि कितनी जो है कंट्रोल या फिर हम कहें कितनी करप्शन को कंट्रोल किया गया है या फिर या तो वो बड़ी है या फिर वो और मतलब यू नो करप्शन को रिड्यूस कर पाए हैं या फिर वो और वर्स हुई है इन द एटी सिक्स ऑफ द एटी सिक्स परसेंट ऑफ द कंट्रीज ओवर द लास्ट डी केड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाउंड किया गया था 1993 में विच इज़ बेस्ड इन बर्लिन जर्मनी ये एक नॉन प्रॉफिट पर्पस है जिसका एक्शन है कॉम्बैट करना ग्लोबल करप्शन विद सिविल सोसाइटल एंटी करप्शन मेजर्स एंड टू प्रिवेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज अराइजिंग फ्राम करप्शन ये मोस्ट नोटेबल पब्लिकेशन है जो कि इंक्लूड करती है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एंड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं ये जो इंडेक्स है वो रैंक करता है 180 कंट्रीज को एंड देयर टेरिटरीज बाय देयर परसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स एंड बिजनेस पीपल ये रिलाई करते हैं 13 इंडिपेंडेंट डेटा सोर्सेज पे एंड यूज करते हैं स्केल ऑफ 0 टू 100 जहां पे 0 जो है वो दैट इज हाइली करप्ट और 100 काफी क्लीन है मोर देन टू थर्ड ऑफ द कंट्री जिसमें स्कोर बिलो फिफ्टी था एंड द एवरेज ग्लोबल स्कोर रिमेन स्टार्ट स्टार्ट एट फोर्टी थ्री दो हज़ार बारह से ट्वेंटी फाइव कंट्रीज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर चुकी हैं अपना स्कोर और उसी पीरियड में ट्वेंटी थ्री कंट्रीज जो हैं वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुए हैं अगर हम टॉप परफॉर्मर की बात करें जो टॉप कंट्रीज है दैट आर डेनमार्क फिनलैंड न्यूजीलैंड और हर कंट्री का स्कोर है 88, नॉर्वे का 85 है सिंगापुर का 85, फाइव का 85 स्विट्जरलैंड 84 नीदरलैंड 82 लक्समबर्ग uh, का है 81 जर्मनी 80 एंड कंप्लीट द टॉप सो ये थी हमारी टॉप 10 कंट्रीज बॉटम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं साउथ सूडान का रैंक है, uh, मतलब है 11 सीरिया का मतलब स्कोर है 11 सीरिया का 13 सोमालिया का 13 और ये जो है बॉटम में रही कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग आर्म कॉन्फ्लिक्ट और अथॉरिटेनियन टेन टू अर्न द लोवेस्ट कोर्स जिसमें वेनिजुला का फोर्टीन है अफगानिस्तान का सिक्सटीन नॉर्थ कोरिया का सिक्सटीन येमेन का सिक्सटीन इक्वेटोरियल ग्वेना का सेवनटीन लीबिया का सेवनटीन तुर्कमेनिस्तान का नाइनटीन इंडिया की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं इंडिया रैंक हुआ है 85 अमंग 180 कंट्रीज इन द करंट इंडेक्स 86 हुआ था 2020 में 80 इंडिया की पोजीशन थी 2019 में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उन्होंने इंडिया को सी पी स्कोर दिया है 40 का एक्सेप्ट भूटान ऑल ऑफ इंडिया इंडियाज नेबर्स आर रैंक बिलो इट पाकिस्तान ने 16 स्पॉट्स को ड्रॉप किया है और उसकी रैंक है वन जो कंट्री का स्कोर है वो रिमेन स्टेगनेंट रहा है ओवर द पास डी और कुछ मैकेानिज्म जो है वो हेल्प कर सकते थे या फिर हम कहें उनकी करप्शन जो आ, को वीकन कर सकते थे कुछ कंसर्न्स है ओवर द कंट्रीज डेमोक्रेटिक स्टेटस और फंडामेंटल फ्रीडम या फिर हम कहें इंस्टीट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस डीके पे देखो कोई भी जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है उसको टारगेट किया जाता है विथ सिक्योरिटी डिफेमेशन सिडिएशन, हेट स्पीच चार्जेस एंड विद रेगुलेशन ऑन फॉरन फंडिंग फॉल ऑफ डेमोक्रेसी देखो फ्राम द ऑपोजिशन सपोर्टर्स इन बेलरस टू क्लोजिंग ऑफ मीडिया आउटलेट्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इन ये जो डेडली वायलेंस है अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स इन सूडान या फिर इन फिलिपाइन जिसमें ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी जो है वो थ्रेड पे है अराउंड द वर्ल्ड बेसिकली क्या मतलब है इसका देखो जो ये जो है लोगों के उनके बेसिक राइट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं अननेसेसरी यू नो लोगों की किलिंग होती है ठीक है जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी फॉल डाउन करती है ये जो राइट्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेज है वो अंडरमाइन हो रही है नॉट ओनली इन द कंट्री विद सिस्टमैटिक करप्शन जबकि वीक इंस्टीट्यूशन वाले के बट अच्छी खासी डेमोक्रेसीज में भी ऐसा होता है आपने यूएसए का एग्जाम्पल देखा ही था जहाँ पे एक ब्लैक जो इतने फेमस वो थे उनको जो है मार दिया गया था एक पुलिस के द्वारा सो so, उसमें भी हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का फॉल होता है 2012 से 90 परसेंट ऑफ द कंट्रीज ने जो है डिक्लाइन किया है उनके सिविल लिबर्टी स्कोर में ऑन द डेमोक्रेसी इंडेक्स जो ग्लोबल कोविड 19 पेंडेमिक है उसको भी यूज़ किया गया काफ़ी सारे कंट्रीज में एज एन एक्सक्यूज टू करटेल बेसिक फ्रीडम एंड साइट स्टेप इम्पॉर्टेंट चेकस एंड बैलेंसेस देखो इतने सारे इंटरनेशनल मोमेंटम बढ़ते आ रहे हैं और ये जो एब्यूज़ है एनोनिम शेल कंपनीज का मेनी हाई स्कोरिंग कंट्रीज़ का विद रिलेटिवली क्लीन पब्लिक सेक्टर्स कॉन्टीन्यू टू एनेबल ट्रांस नैशनल करप्शन ये जो करंट वेव ऑफ वेव ऑफ अथॉरिटेरियन है जैसे कि हम जो कहते हैं चाइना एक अथॉरिटेरियन कंट्री है जिसको कोब्स एंड वायलेंस के द्वारा ड्राइव किया जाता है सो बेसिकली इन सब चीज़ों का भी जो है कंट्रोल रखना चाहिए सजेशंस क्या दिए गए हैं पीपल्स डिमांड ये जो विशेष साइकिल है करप्शन का ह्यूमन राइट वायलेशन का डेमोक्रेटिक डिक्लाइन का लोगों को डिमांड करनी चाहिए अपनी गवर्नमेंट से कि उनके राइट टू होल्ड पावर टू अकाउंट दी जानी चाहिए रिस्टोर और स्ट्रेंथन करना चाहिए इंस्टीट्यूशनल चेक्स एंड पावर ट्रांसनेशनल फॉर्म्स ऑफ करप्शन को कम्बैट करना चाहिए राइट टू इंफॉर्मेशन जो है इन गवर्नमेंट्स पेंडिंग को अपहोल्ड करना चाहिए सेकेंड है एड्रेस फंडामेंटल फीलिंग्स देखो ये जो बेसिकली uh, कह सकते हैं ये एंटी करप्शन एफर्ट्स इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रेटजीज इनको एड्रेस किया जाना चाहिए फंडामेंटल फीलिंग के अंडर दैट हैव लेड मेनी कंट्रीज टू लाइक दी करप्शन इफ़ेक्टिव कंट्रोल ऑफ करप्शन और कॉमन प्रोस्पैरिटी को अचीव करना चाहिए बाई इंगेजिंग विद पीपल और या फिर हम कहें विद असेंबली फ्रीली सो दैट वहाँ पे लोग ओपनली बोल सके और विसल को ब्लो कर सके ऑन करप्शन विदाउट फेयर ऑफ रेपर एंटी करप्शन एजेंसीज कंट्री में विद कंट्रीज विद नो एंटी करप्शन एजेंसी और वीनिंग इंस्टीट्यूशन शुड अप दी 2012 जकार्ता स्टेटमेंट ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटी करप्शन एजेंसी उसका जो इट्स कोलम्बो कमेंट्री एंड रीजनल कमिटमेंट्स जो हैं जैसे कि तेनियन विशन अलॉन्ग साइड ऑल दी अदर स्टेप्स जो कि जिनकी ज़रूरत है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के लिए उनको यूटिलाइज करना चाहिए ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है ये ओनली लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है दूसरे कौन से इनिशिएटिव uh, है जिसमें हमने करप्शन को या फिर ब्राइब को कंट्रोल करने की कोशिश की है Indian Penal Code, eighteen sixty, Prevention of Corruption Act, nineteen eighty eight, Prevention of Money Laundering Act, two thousand two, Foreign Contribution Regulation Act, two thousand ten, Companies Act, two thousand thirteen, Lokpal and Yukta's Act, two thousand thirteen, Central Vigilance Commission. So, guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and you know, comment. एंड अगर आपको चाहिए कि कॉन्टीन्यूटी में हम जो है जो रिसेंट लेक्चर्ड के टॉपिक्स वेरियस एस एस बीज और ए एफ एस बीज में आएँ उनको कवर करें डेली सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू